सो मेरा वीडियो स्टार्ट होता है खाने से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खाना पसंद है और डिफरेंट डिफरेंट डिशेस मुझे ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक दो चीज़ मेरा फेवरेट है, जैसे कि नान, बटर पनीर मसाला, वेज में चिकन तो है ही, फिश भी है, साथ में आइसक्रीम, और घूमना फिरना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैंने शेयर किया था लास्ट ब्लॉग पे कि मैं घूमने गई थी, हम लोग ने लंच किया था, फिर मैंने कॉफ़ी एंजॉय किया था। सो कॉफ़ी किसको किसको पसंद है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कॉफ़ी के बहुत सारे टाइप होते हैं जैसे कि आप लोगों को पता है, लेकिन हम लोग के यहाँ जैसे कि आसाम में, जैसे कि मैं हाइलाकांदी, सिलचर, करीमगंज की बात करती हूँ, तो कोल्ड कॉफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो कोल्ड कॉफ़ी मुझे कहीं नहीं मिलता है। और मैं अगरतला जब गई थी, मैं सोच रही थी कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करूँगी, लेकिन उस टाइम इतना ठंडा ठंडा वेदर हो चुका था कि मुझे मीन्स अच्छा ही नहीं लग रहा था कि मैं कोल्ड कॉफ़ी खाऊँ। सो ऐसे ही हम लोग का शाम का टाइम गया था, फिर गप्पे मार के हम लोग रात के लिए आ चुके थे। रात में हमने लिया था जीरा राइस, नॉर्मल प्लेन राइस, फिर मिक्स्ड वेज पनीर के साथ फ़िश एक लिया था, दाल लिया था, मिक्स्ड दाल जो होता है वो वाला लिया था, और चिकन का कुछ आइटम लिया था हम लोग ने। सो उस दिन ना ज़्यादा कुछ खाने का मीन्स मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमने सोचा था कि लास्ट नाइट है सो खा लेते हैं। और बहुत ही मज़ा मीन्स लग रहा था कि आज का लास्ट डे है, और फिर हमने सोचा कि एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि कब और टाइम मिले या ना मिले, ऐसे ट्रिप तो मीन्स अचानक ही प्लान होते हैं, ऐसा तो मीन्स कभी होगा या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी मेरा भाई भी एक जगह नहीं रहता है, पापा मम्मी भी अभी कोलकाता रहते हैं, तो बहुत ही मीन्स एक अलग सा मीन्स सिचुएशन हो चुका है कि सब लोग कब हम लोग एक साथ मिल पाएंगे। सो इसके बाद हम लोग मीन्स रेस्टोरेंट के बाहर आ चुके थे, और होटल के सामने रिसेप्शन में हम लोग बैठ के बुक ये सब पढ़ रहे थे, मजाक कर रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था। बहुत लोग हम लोग को मीन्स हम लोग के रिलेटिव लोग वीडियो कॉल भी कर रहे थे क्योंकि होटल दिखाओगे, क्योंकि होटल सच में बहुत ज़्यादा सुंदर था, हम लोग को लगा नहीं था कि इतना अच्छा होगा, लेकिन बहुत ही मीन्स अच्छा था। और यहाँ पे देखिए मेरे पतिदेव महाशय बुक पढ़ रहे, और मैं मीन्स यहाँ पे अच्छे अच्छे नॉवेल्स भी, बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स थे, अगर टाइम मिलता तो हम लोग ज़रूर पढ़ते। नॉवेल्स मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन आजकल टाइम ही नहीं मिलता। हाई फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज है हमारा लास्ट डे यहाँ पे, तो मैं अभी नहा के तैयार हो चुकी हूँ, और थोड़ा सा जर्नी में जाना है तो मेकअप तो नहीं करूँगी, सिर्फ सनस्क्रीन पाउडर लगाऊंगी और लिपस्टिक, और इसके बाद जाऊँगी मैं ब्रेकफास्ट करने। तो चलिए रेडी हो जाती हूँ। तो आज एक्चुअली मेकअप करने का एकदम भी मन नहीं है, लेकिन बाहर जाऊंगी और लिपस्टिक के बिना मुझे अच्छा एकदम नहीं लगता है, इसलिए मैंने क्या किया, सनस्क्रीन फाउंडेशन सब चीज़ों को मैंने स्किप किया और सनस्क्रीन पाउडर मैंने लगाया, क्योंकि मैं अभी ट्रेन से जाऊंगी तो एसी रहेगा, सनलाइट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मेरे फेस के लिए कुछ भी हार्मफुल नहीं होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट फेस पाउडर लगा लिया है सनस्क्रीन का। और ये वाला जो लैक्मे का फेस पाउडर है, ये एक फाउंडेशन का काम करता है। हाँ, थोड़ा पहले वाइट वाइट लगता है, लेकिन इसके बाद ये मीन्स ठीक हो जाता है, मीन्स इसका पाउडरी जो मीन्स वाइटनेस है वो चला जाता है, मीन्स हवा में उड़ जाता है अल्टीमेटली। तो इसके बाद मैं शुगर पॉप का मीन्स एक पिंक कलर का लिपस्टिक लगा रही ले रही हूँ, और ये वाला जो कुर्ता मैंने ट्रेंड से ख़रीदा था, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, ऑफ़र प्राइस में मुझे भी मिला था ये वाला, और कॉटन था। आप लोग भी अगर आपके आसपास ट्रेंड्स शोरूम है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, ऐसे शॉर्ट कुर्ती आप लोगों को मिल जाएंगे, और बहुत ही सच में रीज़नेबल रेंज में है, क्योंकि पहले जो ट्रेंड्स का ऑफ़र था इतना हाई रेंज का होता था, लेकिन अभी बहुत ही रीज़नेबल रेट में सबको मिलता है। और नेक्स्ट मैं थोड़े अच्छे से बाल बना ले रही हूँ, और आईलाइनर भी मैंने शायद नहीं लगाया था, और मेरे फेस को देख के आप समझ ही पा रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, क्योंकि रात को हम लोग लेट करके सोए थे, और फुल दिनों का जो मीन्स एक टायर्डनेस, तो घूमना फिरना, एग्ज़ाम देना, सब कुछ चल रहा था, इसके वजह से मीन्स कल नींद भी कम हुआ था, क्योंकि थोड़ा टेंशन भी था कि सुबह उठ के निकलना है, सब रेडी पैक होके, तो 7 बजे अराउंड हम लोग उठ जाते हैं, क्योंकि हम लोग का ब्रेकफास्ट 8 से 10 AM तक रहता है, 8 AM to 10 AM। तो जल्दी जल्दी नहा के हम लोग टोटली रेडी हो चुके थे। और बाल को लेके मैं बहुत परेशान हूँ, आप लोग
क्या क्या हेयर स्टाइल करते हैं मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं और हेयर स्टाइल एक्सपेरिमेंट कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई हेयर स्टाइल एक्सपेरिमेंट करती हूँ क्योंकि इसके बाद इसे ठीक करना मेरा मीन्स और भी एक लंबा सा टास्क हो जाता है। मैं कुछ भी करूँ, ब्रेड बनाऊँ, इसके बाद बहुत प्रॉब्लम होता है। सो ऐसे ही मैं रेडी हो जा रही हूँ अभी, और इसके बाद ही मैं निकल जाऊँगी। देखिए वीडियो। तो ईयरिंग्स इस बार मैंने बहुत गिने चुने लाए थे, क्योंकि मुझे पता है मैं सारी ईयरिंग्स लेके जाती हूँ ट्रैवलिंग टाइम में, लेकिन एक चीज़ भी मैं लगाती नहीं हूँ। तो ये वाला मैंने एक्चुअली चांदनी चौक से ख़रीदा था, चांदनी चौक नहीं, लाजपत नगर से ख़रीदा था झुमका। तो ये वाला झुमका मेरा बहुत ही फेवरेट है। ऐसा और एक है, लेकिन मैंने ये वाला मीन्स मेरे बहन को दे दिया है। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाता है। ब्रेकफास्ट में है इडली आज मेरा फेवरेट, सांभर, फिर ना मीन्स कोकोनट चटनी, एग, फिर शेवाई था। शेवाई मीन्स बहुत ही टेस्टी लग रहा था देख के। और इसके बाद फ्रेंच फ्राई, बटर मेलन और पीस का सैलड बना हुआ था, कॉर्नफ्लेक्स, केक, चाय, कॉफ़ी, जूस, ब्रेड, बटर, जैम, जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो मैंने ले लिया है पहले इडली, मम्मी लोगों ने थोड़ा मीन्स मेरे पहले आए हैं उन लोग, तो इडली ले लिया मैंने, सांभर, और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम मिठाई का चीज़ जो है वो शेवाई मैंने लिया है, क्योंकि मैंने सोचा आज मैं खा के जाऊँगी। अभी मैंने लिया है नूडल्स, और नूडल्स भी था मीन्स पी सैलड, फ्रेंच फ्राई और थोड़ा बहुत बटर मेलन। सो फ्रूट्स मुझे बहुत पसंद है, और यहाँ पे ना उन लोग ने जूस, मैंगो जूस प्रोवाइड किया है। तो हर दिन वो उन लोग अलग अलग जूस प्रोवाइड करते हैं, और सबसे अच्छा लग रहा था कि मेरे पापा को बहुत ज़्यादा मीन्स साउथ इंडियन डिश मीन्स पसंद है, और लास्ट डे ही हम लोग को मिल चुका था साउथ इंडियन डिश, और वो भी मीन्स इडली। पापा बोल रहे थे अगर और एक दिन हम लोग रुक जाते तो हम लोग को डोसा भी मिल जाता। पापा, मैं बोल रही थी हाँ ऑब्वियसली, अगर तुम मीन्स पूरा वीक के लिए बुक करोगे तो सारे आइटम मीन्स खा के जा पाओगे। और नॉर्मली क्या होता है, होटल में हम लोग कहीं जाने के लिए आते हैं, अगर आप चाहो कि सिर्फ आपको होटल में ही रहना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, तो आप 1 वीक के लिए बुक कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे ऑफ़र रेंज में बुक कीजिएगा अगर आप पहले से करते हैं। हम लोग का चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगा था, क्योंकि हमने बहुत ही जल्दबाजी में एक दिन में ही हमने बुक किया था। हम लोग का तो पहले प्लान नहीं था कि हम लोग जाएंगे इतने सारे लोग, और इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। फाइनली हम लोग का टूर कंप्लीट हो चुका है, सो इस रूम को मैं बाय बाय कर रही हूँ। बाय बाय। तो अभी हम निकल चुके हैं ऑटो लेके, और पहुंच चुके हैं स्टेशन। स्टेशन में आके मीन्स मेरे मम्मी पापा लोग और एक मीन्स ऑटो से आ रहे थे, क्योंकि हम लोग को कार नहीं मिला था उस टाइम, और उबेर में ये अभी ऑटो ये सभी मिलता है। और हम लोग मीन्स हम लोग का ट्रेन अभी 10 मिनट बाद ही था, तो हम लोग थोड़ा जल्दी इधर आ चुके थे। मीन्स जल्दी आना ही बेटर होता है, सो हम लोग अभी ट्रेन में उठ जाएंगे। सो हमारा ब्लॉग ये टूर एक के बाद एक कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसे ट्रैवलिंग ब्लॉग देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो हम लोग अभी चले जा रहे हैं। और ट्रैवलिंग किसको पसंद नहीं है, मुझे लगता है ट्रैवलिंग सबको पसंद है, और स्पेशली अभी हम लोग जिस जेनरेशन में हैं, हम लोग के लिए ट्रैवलिंग बहुत ही आसान हो चुका है। हम लोग घर बैठे बुक कर पा रहे हैं सारे चीज़ों का, लेकिन पहले लोग जो घूमते थे मीन्स जैसे कि मेरे मम्मी पापा लोग भी, उन लोग भी तो घूमे हैं, उन लोग के टाइम में कोई भी मीन्स हेल्प नहीं था कि कैसे बुक करेंगे, वहाँ जा के होटल बुक करना पड़ता था, मीन्स ऐसा प्रोसीजर था। लेकिन मैं सोचती हूँ उन लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, क्योंकि ऐसे उन लोग मीन्स विदाउट एनी हेल्प, अभी तो GPS है, लोकेशन देख सकते हैं, सब कुछ पहले से रिव्यू रहता है लोगों का, और पहले उन लोग कैसे जुट जाते थे। उन लोग बेस्ट होटल में रहे हैं, लेकिन मैं सच में उन लोग को मीन्स बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि तुम लोग के ज़माने में वो सब बहुत मीन्स अजीब था। मैं अगर उस ज़माने में होती तो मैं थोड़ा डरती, अभी तो मैं हम लोग को किसी को पूछना भी नहीं पड़ता है, डायरेक्ट मोबाइल देख के पहुँच जाते हैं, जहाँ टिकट बुक करना होता है वहीं बुक कर लेते हैं और चले जाते हैं। बहुत ही आसान हो चुका है टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल अभी। सो हम लोग अभी अगरतला को बाय बाय कर रहे हैं, और सामने आप लोगों को मिलेगा
धर्मनगर स्टेशन। और इस बार ना मीन्स जाने के टाइम मैंने जितना वीडियो किया था, जो एक मीन्स हैप्पी मूड था, अभी आने के टाइम ऐसा एकदम भी मूड नहीं था और सबका मन ही खराब खराब था और बहुत ही टायर्ड लग रहा था। सब लोग सो रहे थे, मीन्स अच्छा नहीं लग रहा था इतना। और देखिए पापा मम्मी उन लोग बैठे हुए, मम्मी तो बाद में सो ही गई थी। और इसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे हमारे डेस्टिनेशन में। सो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।